श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स। हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट, वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला केमिकल अब आम जनता के लिए जहर बन चुका है। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र मानपुरा में सैकड़ों इकाइयां लगी हुई है, लेकिन चलने वाली इन इकाइयों में मानकों को दरकिनार कर चलाया जा रहा है। अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं और देखने सुनने वाला शायद कोई भी नहीं है, लेकिन इसी बीच हजारों की संख्या में रहने वाले ग्रामीण सफर करते नजर आ रहे हैं। मानपुरा नदी में किसी फैक्ट्री से हानिकारक रासायनिक पदार्थ नालियों से बहाया जा रहा है तो किसी कंपनी से हानिकारक राखयुक्त और दुर्गंध रहित पानी निकल रहा है। कई कंपनी अपना डिस्चार्ज मानपुरा नदी में बहा रही है तो किसी का तरल पदार्थ गांवों में इकट्ठा होकर प्रदूषण फैला रहा है। इस प्रदूषण की वजह से जलस्तर में खराबी तो आ ही रही है, साथ ही जानवरों में भी इससे बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। पीने के पानी में भी अब पहले जैसी बात नहीं रही है। केमिकल का रिएक्शन ऐसा है कि पानी पीना तो दूर, इससे नहाने पर शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है। फैक्ट्रियों से निकलकर ये पानी बाहर इकट्ठा हो रहा है और जानवर भी इसी पानी को पी रहे हैं। ये पानी जानवरों के शरीर में भी लग रहा है और बीमारियों को जन्म देता है। जहरीला पानी आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बन सकता है, लेकिन जिम्मेदारों की नज़र मानो इन सब पर नहीं पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पानी जगह जगह पर भरा है और जब हम हैंडपंप या कुएं से पानी भरकर नहाते हैं तो हमारे शरीर में खुजली, दाने निकलना जैसी समस्या होने लगती है। प्रदूषण अधिकारियों का इस तरह कोई ध्यान नहीं है। मेरा नाम राधा कृष्ण है और ढेला गांव का रहने वाला हूँ मैं। जब से हमारी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गई है, इस पानी में हम नहाते थे, उस पानी को पीते थे पहले हम, और आज की डेट में ये पानी बंदे तो क्या पी सकते हैं, लेकिन पशु भी अगर पियेंगे तो मर जाएंगे इसमें। आज की डेट में पशुओं को नदी के किनारे छोड़ना बहुत मुश्किल है। और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इतना क्या बोले इनको, भ्रष्ट बोले या क्या बोले इनको, किस भाषा से पुकारें, ये कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। फैक्ट्री वालों ने सरेआम पानी छोड़ रखा है, जहाँ कहीं भी देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो है, और इस फैक्ट्री में तो मेरे ख्याल में कम से कम इसके ऊपर 50 फैक्ट्री आती है। हमारे घर से ऊपर से पानी आ रहा है, गंदा पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है कि अगर उसमें पैर लग जाए ना हमारा, तो उसे खारिश होने लग जाती है हमारे को। हमारी ज़मीन के साथ से पानी जा रहा है ये, ठीक है ना जी। और ये नाले जो नदी पहले नदी थी ना ये, और ये नाले बन गए अब ये, और सरकार को इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जो भी सरकार आती है और पैसा कमाती चली जाती है, और जब भी कोई मंत्री आता है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि हम किस लिए आए, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल नहीं है, लोगों की सुरक्षा का। और सरकार से अनुरोध है कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो ये फैक्ट्रियों में गंदा पानी छोड़ रखा है इन्होंने, इसको कंट्रोल किया जाए। और जो उसमें बाढ़ नदी पे पानी दूषित हो चुका है, पीछे एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पानी जो है कैंसर का हो चुका है सारा ही, इस पानी पीने से कैंसर हो रहा है, हर घर में हर तीसरा बंदा बीमार है इसकी वजह से। आज यही कारण है कि आज ये पानी सबसे ज़्यादा दूषित हो चुका है, और बद्दी बरोटी और नालागढ़ का खास करके। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम राधा कृष्ण है और ढेला गांव का रहने वाला हूं मैं। जब से हमारी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गई है, इस पानी में हम नहाते थे, उस पानी को पीते भी थे पहले हम, और आज की डेट में ये पानी बंदे तो क्या पी सकते, लेकिन पशु भी अगर पियेंगे तो मर जाएंगे इसमें। आज की डेट में पशुओं को नदी के किनारे छोड़ना बहुत मुश्किल है। और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इतना क्या बोले इनको, भ्रष्ट बोले या क्या बोले इनको, किस भाषा से पुकारें, ये कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। फैक्ट्री वालों ने सरेआम पानी छोड़ रखा है, जहाँ कहीं भी देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो है, और इस फैक्ट्री में तो मेरे ख्याल में कम से कम इसके ऊपर 50 फैक्ट्री आती है। हमारे घर से ऊपर से पानी आ रहा है, गंदा पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है कि अगर उसमें पैर लग जाए ना हमारा, तो उसे खारिश होने लग जाती है हमारे को। हमारी ज़मीन के साथ से पानी जा रहा है ये, ठीक है ना जी। और ये नाले जो नदी पहले नदी थी ना ये, और ये नाले बन गए अब ये, और सरकार को इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जो भी सरकार आती है और पैसा कमाती चली जाती है, और जब भी कोई मंत्री आता है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि हम किस लिए आए, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
और जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल नहीं है लोगों की सुरक्षा का, और सरकार से अनुरोध है कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो ये फैक्ट्रियों में गंदा पानी छोड़ रखा है इन्होंने, इसको कंट्रोल किया जाए, और जो उसमें बाढ़ नदी पर पानी दूषित हो चुका है, पीछे एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पानी जो है कैंसर का हो चुका है सारा, इस पानी पीने से कैंसर हो रहा है, हर घर में हर तीसरा बंदा बीमार है इसकी वजह से। आज यही कारण है कि आज पानी सबसे ज़्यादा दूषित हो चुका है, और बद्दी रोटी और नालागढ़ का खास करके, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम राधा कृष्ण है और ढेला गांव का रहने वाला हूं मैं। जब से हमारी उम्र तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गई है, इस पानी में हम नहाते थे, उस पानी को पीते हुए थे पहले हम, और आज की डेट में ये पानी बंदे तो क्या पी सकते हैं, लेकिन पशु भी अगर पिएंगे तो मर जाएंगे इसमें। आज की डेट में पशुओं को नदी के किनारे छोड़ना बहुत मुश्किल है, और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इतना क्या बोले इनको, भ्रष्ट बोले या क्या बोले इनको, किस भाषा से पुकारें, ये कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। फैक्ट्री वालों ने सरेआम पानी छोड़ रखा है, जहाँ कहीं भी देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, और इस फैक्ट्री में तो मेरे ख्याल में कम से कम इसके ऊपर 50 फैक्ट्री आती है। हमारे घर से ऊपर से पानी आ रहा है, गंदा पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है कि अगर उसमें पैर लग जाए ना हमारा, तो उसे खारिश होने लग जाती है हमारे को, हमारी जमीन के साथ से पानी जा रहा है ये, ठीक है ना जी। और ये नाले जो नदी पहले नदी थी ना ये, और ये नाले बन गया अब ये, और सरकार को इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जो भी सरकार आती है और पैसा कमाती चली जाती है, और जब भी कोई मंत्री आता है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि हम किस लिए आए, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और जो लोगों की सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल नहीं है लोगों की सुरक्षा का, और सरकार से अनुरोध है कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो जो फैक्ट्रियों में गंदा पानी छोड़ रखा है इन्होंने, इसको कंट्रोल किया जाए, और जो उसमें बाढ़ नदी पर पानी दूषित हो चुका है, पीछे एक सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पानी जो है कैंसर का हो चुका है सारा, इस पानी पीने से कैंसर हो रहा है, हर घर में हर तीसरा बंदा बीमार है इस वजह से आज। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, मानवे रहने वाला मैं। उरे जब पहला छोटे होंगे थे असी इंडस्ट्री से, पहला असी उरे पानी पिए करते थे, पशुओं को पलाए करते, नहाए करते थे। जब तक इंडस्ट्री लगी ना उरे एरिया में, सैकड़ों कंपनी लग गई, सैकड़ों कंपनी ने गंदे ऐसा डाल रखा है, नदी का नाला गंदा नाला बना दिया। पहले बहुत साफ सुथरा पानी था, सारा सारा दिन हम यहाँ पशु चराते थे, बाकी नहाते सारा पानी पीते थे। अब इसमें नाले में हमारे को पशु रोकने पड़ते हैं, पीना तो दूर की बात, अगर टच भी कर लेते पानी तो खुजली हो जाती पानी से, ऐसा बुरा हाल कर दिया इंडस्ट्री वालों। कोई प्रदूषण बोर्ड वाला कोई नहीं देख रहे रहा, कुर्सी में बैठे है, किसी कंपनी की इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, बस कुर्सी बैठ के अपनी तनख्वाह ले रहे। सरकार ने उनको पैसा दे रही है, इसी कारण दे रही है कि इनको देखा जाए कहाँ कहाँ प्रदूषण फैल रहा है। उन्हें पानी यहाँ हमारी धरती में जा रहा है, हम पी रहे हैं उसको, कैंसर बढ़ रहा है, कोई किसी को कोई खुजली बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी लगी, ये पानी खतरनाक हो गया यहाँ का पानी। इसको सरकार से हमारी अपील है कि इसको देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जो कंपनी का गलत काम कर रही है। ऐसा लगता है इनकी मिली वक्त सारी, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, नहीं तो सरकार ध्यान देती है सब हर एक तरफ, पर मेरे को तो मिली वक्त लग रही है इनकी भी, तभी नहीं ध्यान दे रहे। एक्शन तो होगा, होना चाहिए, जो गंद फैला रहा है हिमाचल को, इतना सुंदर हिमाचल को गंदी गंदा हिमाचल बना दिया उन्होंने। सर यहाँ पे ऐसे ट्रैक्टर वाले फैक्ट्री से पानी भरते हैं और नदी में छोड़ जाते पानी, केंदू वाले तो पहुँचते ही नहीं, वो टैंकर ट्रैक्टर वाले लगा रखे हैं, वो फैक्ट्री से भरना पानी और नदी में छोड़ देना, ऐसा काम चला हुआ है। ये नहीं वहाँ केंदू वाले कौन पहुँचता है, कंपनी वाले लालचा भी कम पैसे में हमारा काम हो रहा है, कंपनी वाले के लालच के चक्कर में ना, कम पैसे में काम कराने के चक्कर में ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ जाता पानी, बहुत कम है। कोई बड़ी इंडस्ट्री है जो जिसको पता है वही काम करती है, बड़ी इंडस्ट्री, बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्री है नहीं, ये तो यहीं फेंक रही पानी। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, मानवे रहने वाला मैं। उरे जब पहला छोटे होंगे थे असी इंडस्ट्री से, पहला असी उरे पानी पिए करते थे, पशुओं को पलाए करते, नहाए करते थे। जब तक इंडस्ट्री लगी ना उरे एरिया में, सैकड़ों कंपनी लग गई, सैकड़ों कंपनी ने गंदे ऐसा डाल रखा है, नदी का नाला गंदा नाला बना दिया। पहले बहुत साफ सुथरा पानी था, सारा सारा दिन हम यहाँ पशु चराते थे, बाकी नहाते सारा पानी पीते थे। अब इसमें नाले में हमारे को पशु रोकने पड़ते हैं, पीना तो दूर की बात, अगर टच भी कर लेते पानी तो खुजली हो जाती पानी से, ऐसा बुरा हाल कर दिया इंडस्ट्री वालों। कोई प्रदूषण बोर्ड वाला कोई नहीं देख रहे रहा, कुर्सी में बैठे है, किसी कंपनी की इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, बस कुर्सी बैठ के अपनी तनख्वाह ले रहे। सरकार ने उनको पैसा दे रही है, इसी कारण दे रही है कि इनको देखा जाए कहाँ कहाँ प्रदूषण फैल रहा है। उन्हें पानी यहाँ हमारी धरती में जा रहा है, हम पी रहे हैं उसको, कैंसर बढ़ रहा है, कोई किसी को कोई खुजली बीमारी, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी लगी, ये पानी खतरनाक हो गया यहाँ का पानी।
इसको सरकार से हमारी अपील है कि इसको देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जो कंपनी का गलत काम कर रही है। ऐसा लगता है इनकी मिली वक्त सारी, ऐसा लग रहा मेरे को तो, नहीं तो सरकार ध्यान देती है सब हर एक तरफ, पर मेरे को तो मिली वक्त लग रही है इनकी भी, तभी नहीं ध्यान दे रहे। एक्शन तो होगा, होना चाहिए। जो गंद फैला रहा है हिमाचल को, इतना सुंदर है हिमाचल को, गंदी गंदा हिमाचल बना दिया उन्होंने। सर यहाँ पे ऐसे ट्रैक्टर वाले फैक्ट्री से पानी भरते हैं और नदी में छोड़ जाते पानी, टेंदू वाले तो पहुँचते ही नहीं, वो टैंकर ट्रैक्टर वाले लगा रखे है, वो फैक्ट्री से भरना पानी और नदी में छोड़ देना, ऐसा काम चला हुआ है। ये नहीं वहाँ टेंदू वाले कौन पहुँचता है, कंपनी वाले लालच क्योंकि कम पैसे में हमारा काम हो रहा है, कंपनी वाले के लालच के चक्कर में ना, कम पैसे में काम कराने के चक्कर में ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ जाता पानी, बहुत कम है। कोई बड़ी इंडस्ट्री है जो जिसको पता है वही काम करती है, बड़ी इंडस्ट्री, बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्री है नहीं, ये तो यहीं फेंक रही पानी। मेरा नाम रणजीत सिंह है जी, मानवे रहने वाला मैं। उरे जब पहला छोटे होंगे थे असी इंडस्ट्री से, पहला असी उरे पानी पिए करते थे, पशुओं को पलाए करते, नहाए करते थे। जब तक इंडस्ट्री लगी ना उरे एरिया में, सैकड़ों कंपनी लग गई, सैकड़ों कंपनी ने गंदे ऐसा डाल रखा है, नदी का नाला गंदा नाला बना दिया। पहले बहुत साफ सुथरा पानी था, सारा सारा दिन हम यहाँ पशु चराते थे, बाकी नहाते सारा पानी पीते थे। अब इसमें नाले में हमारे को पशु रोकने पड़ते हैं, पीना तो दूर की बात, अगर टच भी कर लेते पानी तो खुजली हो जाती पानी से, ऐसा बुरा हाल कर दिया इंडस्ट्री वाले। कोई प्रदूषण बोर्ड वाला कोई नहीं देख रहा, कुर्सी में बैठे हैं, किसी कंपनी की इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, बस कुर्सी बैठ के अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार ने उनको पैसा दे रही है, इसी कारण दे रही है कि इनको देखा जाए कहाँ कहाँ प्रदूषण फैल रहा है। उन्हें पानी हमारी धरती में जा रहा है, हम पी रहे हैं उसको, कैंसर